नमस्कार दोस्तों, ये जो है मैं साइट दिखा रहा हूँ, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के देहरादून है। देहरादून में कंपनी का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट डे है और यहाँ पे मैंने विजिट किया, लगभग काम भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये देखिए बहुत बेहतरीन घर बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत घर है। और मैंने इसके अंदर विजिट किया तो सीलन और सीपेज पूरे घर को ख़राब कर रहा था। उसका ये छत है, छत पे जो है क्लीनिंग कर दी गई है। फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में क्लीनिंग हो गया है, क्लीनिंग के बाद प्राइमर लग गया, सेवन कोटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जो देहरादून है चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है, दूर दूर तक पहाड़ हैं और ये पूरा घाटी में है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बारिश होती है और हद से ज़्यादा बारिश होती है। बारिश की वजह से यहाँ पे सीलन सीपेज लगभग हर घरों में देखा गया है, लेकिन इसका कोई कारीगर उपाय अभी तक किसी ने नहीं किया। लोग वाटरप्रूफिंग करा लेते हैं, करने को कर देते हैं करने वाले लोग, लेकिन इसके परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं। यानी कि काफ़ी दिन तक चलने वाला वाटरप्रूफिंग कोई भी नहीं करते हैं। आप सेवन कोटिंग कराइए। यहाँ पे जो है सेवन कोटिंग का काम शुरू हो चुका है। सेवन कोटिंग करने के बाद करीब करीब काफ़ी दिनों तक सीलन और सीपेज की समस्या नहीं आएगी। जो छत है, छत के केवल ज्वाइंट पर क्रैक आ गया था, जिसकी वजह से क्रैक से पानी जा रहा था। यहाँ पे हर संभव प्रयास किया गया कि पानी को रोका जाए, क्रैक को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर रुका नहीं। पहाड़ी के एरिया की वजह से वाइब्रेशन भी रहता है बिल्डिंग में, तो क्रैक वगैरह आना आम बात है। तो यहाँ पे सेवन कोटिंग शुरू हो गई है। देहरादून के अंदर भी वाटर प्रूफिंग का सर्विस अवेलेबल हो गया है। पूरे उत्तराखंड में जो कंपनी की सर्विस है वाटर प्रूफिंग, ये पूरी इंडिया में अवेलेबल है। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, देहरादून या कहीं से भी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, उस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और चाहें तो वाटर प्रूफिंग भी करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट डे में क्या क्या किया गया। तो फर्स्ट डे में पूरा ये क्लीन कर दिया गया है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद प्राइमर लग चुका है, पेस्ट लग चुका है। इसके बाद ये सीमेंटेशन ट्रीटमेंट है, थोड़ा बहुत और रह गया है, उसको कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर लिक्विड रबर फाइबर मेश का काम किया जाएगा। इसको ठीक तरीके से छोड़ दिया जाएगा धूप में सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट होगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे, ताकि मैं नेक्स्ट इस पर जो वर्क होगा, यहाँ पर क्या काम किया गया है, वो भी आपको दिखेगा, देखने को मिलेगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं और चाहें तो अपने घर की भी वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। आपके छत पर क्रैक है, सीलन सीपेज काफ़ी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नहीं सही हो पाता है, तो एक बार मुझसे संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ यहाँ पर वर्क होता है। आपका जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर कभी सीलन और सीपेज नहीं बनेगा। कंपनी को दिल्ली में अपार सफलता मिली है, बहुत सारे लोगों का सही किया है। जब काम सही होगा तो एक, अगर मान के चलिए मैं आपको समझा दूं कि अगर एक व्यक्ति कोई सीलन सीपेज से परेशान, उसका काम सही हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 5 जगह ज़रूर बताते हैं। तो वहाँ से मार्केटिंग कंपनी को बहुत ज़्यादा हाइक मिला है, बहुत ज़्यादा काम आज के डेट में कंपनी को मिला हुआ है और चल रहा है। इतना ज़्यादा काम है कि शायद ही जो है एक बढ़ती हुई कंपनी को, नया कंपनी को इतना काम मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर वाटर प्रूफिंग करने का मौका दें। आप देहरादून से कहीं के भी रहने वाले हैं, इंडिया में कहीं के भी हैं, उस पर सेवन कोटिंग का जरूर करें। सेवन कोटिंग में जो है, आपको बता दूं कि टोटल 7 कोट में काम होता है। 3 से 4 कोट सीमेंटेशन होता है और 3 से 4 कोट इलास्टोमेरिक होता है। सीमेंटेशन में पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग एक्रिलिक परसेंटेज का, और जो है लिक्विड रबर का इस्तेमाल इलास्टोमेरिक में किया जाता है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि जल्दी क्रैक नहीं होता है। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।